वेलकम बैक टू माय चैनल। आज तीजा का व्लॉग बनने वाला है। आज हम लोग तीजा की पूजा करने वाले हैं और देखते हैं कि हम लोग क्या क्या करेंगे। तो आज आप पूरे वीडियो में जुड़े रहिएगा और देखिएगा कि बच्चे कैसे मस्ती करते हैं और हम तीजा कैसे बनाते हैं। कौन सा बच्चा? ये बच्चा बाबू बोलो। ये देखो, ये बच्चा बहुत मस्ती करता है, बहुत दम करता है, गंदा बच्चा। कैसे तो गाइज यहाँ देखिए कि हम लोग तीजा की पूजा की तैयारी कर रहे हैं। कुछ कुछ बनाना बनाना रहता है। देखो मेरे पापा डांस करने लगे बच्चों के साथ में, वो भी बच्चे बनके डांस कर रहे हैं। छोटा बाबू भी खूब डांस कर रहा है। देखो मैं नहा के आ चुकी हूँ। मैं अपने बालों को सीरम, हेयर सीरम लगाऊंगी लिवॉन का, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और देखो सब बच्चे कितना मस्ती कर रहे हैं, सब बस तैयारी कर रहे हैं पूजा की। तो गाइज ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, इसमें ज़्यादा मैं आपको यही बता रही हूँ किस टाइप से बच्चे मस्ती कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं और हम लोग कैसे पूजा करते हैं। देखो मैं अपने बालों में लिवॉन लगा रही हूँ क्योंकि मुझे लिवॉन पसंद है। और देखिए देखो कैसे डांस कर रहा है वो, बहुत ही, वो बार बार उधर चला जाता था इसलिए मैं उसको बार बार इधर लेके आती थी। वो डांस करते करते इधर उधर हो जाता था। तो बहुत मस्ती करता है वो बच्चा, वो मेरा भतीजा है। एक्चुअली मेरी दीदी का बेटा है वो, सॉरी। तो वो देखो तैयारी हो रही है, पापा भी मस्ती कर रहे हैं, सब मस्ती कर रहे हैं, बस तब तैयारी कर रहे हैं। देखो बच्चा फिर आ गया, बहुत इंजॉय कर रहा था वो बहुत ज़्यादा। तो गाइज़ आप, अगर आपको मेरा वीडियोस अच्छा लगता है तो आप ज़रूर मेरे वीडियोस को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो बस सब इधर उधर अपनी तैयारी में लगे हुए हैं, तो बस चल रहा है कुछ ना कुछ काम चल रहा है। तो अब हम लोग पूजा का सामान बनाने के लिए रेडी कर रहे हैं, इसलिए मैंने अपने हेयर्स को बांध लिया है। क्योंकि क्या होता है कि बाल जो होते हैं कहीं खाने वगैरह में मत गिरे, इसलिए। तो ये एक्चुअली मैं, ये मेरा मायके है और मैं, हम लोगों के यहाँ जो तीजा जो होता है उसको लड़कियाँ जो होती है अपने मायके में करती हैं। ये देखिए ये बच्चे खेल रहे हैं, बच्चा खेल रहा है और बस हम लोग बस उस दिन वही होता है कि सामान इधर उधर। तो बच्चे खेल रहे हैं, ये मेरी मम्मी है जो सामान बनाने बैठी है। देखो मैं सामान ला के दे रही हूँ उनको बनाने के लिए। बहुत कुछ बनता है हमारे यहाँ, तो बोलना चाहिए इस त्यौहार में ठेठरी, खुरमी और गुजिया, जैसे छत्तीसगढ़ी में कुसली भी बोलते हैं, ये बनता है, और सलोनी ये बनता है। देखो मम्मी बना रही हैं, मम्मी बस सामान सामान करके देंगी और हम लोग उसको सानेंगे फिर काटेंगे, क्योंकि हम लोगों को इतने अच्छे से नहीं आता। मुझे तो नहीं आता, मेरी दीदी को आता है। तो देखो मैं अपने बालों को बांध चुकी हूँ। मेरे हेयर जो कलर है वो स्टिक्स का हेयर कलर है और गोल्डन ब्लेंड इसका शेड है, बहुत ही अच्छा लगता है ये मुझे, मैं हमेशा यही कलर लगाती हूँ। तो ये भी मैं अपने घर में ही करती हूँ। अगर आप बोलोगे तो मैं इसका वीडियो भी आपके साथ शेयर जरूर करूँगी, कैसे मैं अपने बालों को हाइलाइट्स करती हूँ। देखो मम्मी और दीदी बैठ के काम कर रहे हैं। कुछ कुछ काम ऐसे होते हैं भाई, मैं वीडियो बना रही हूँ तो आप इसको गलत वे में मत लीजिएगा भाई, क्योंकि एक्चुअली मैं हर किसी घर इसी प्रकार से तैयारियाँ होती हैं, पूजा पाठ में ऐसी बनाते हैं। तो बैठे हैं मम्मी और दीदी, बना रहे हैं, सान रहे हैं हम। मैं भी शायद किचन में हूँ, कुछ कर रही हूँ। तो बस चल रहा है, लोगों की बातें चल रही हैं क्योंकि अब चल रहा है। तो ये जो उपवास है गाइस, इसका बहुत महत्व है हमारे छत्तीसगढ़ में। तो महिलाओं के लिए बोलना चाहिए वरदान है, क्योंकि साल भर वगैरह अगर वो ना भी आए अपने मायके, लेकिन ये जो उपवास है इस उपवास में उनका मायके आना जरूरी होता है। और बोलते हैं ना मायके की साड़ी, तो इस उपवास में उनको रखने पर मायके की साड़ी वगैरह भी मिलती है, मायके की साड़ी मिलती है, बच्चों के कपड़े मिलते हैं, तो बहुत महत्व है। तो अब देखो मैंने फुलेरा बांध लिया है, इसको साड़ी से बांधा है और अब उस फुलेरा को तैयार करूँगी। तो इसमें
पूरा सब जो भी मेरा भाई लेके आया है, फूल माला वगैरह सबको लगाऊंगी, तैयार करूंगी। और हम लोग रात्रि जागरण करते हैं, उपवास में रात भर जागते हैं, रात भर किसी प्रकार से सोते नहीं है, बस रात भर पूजा पाठ चलते रहता है, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ। तो बस वही होगा, इसलिए फुलेरा तैयार कर रही हूँ। फुलेरा तैयार करने के बाद मैं शंकर जी और पार्वती माता की मूर्ति जो पापा खरीद के लेके आए हैं उनको हम बैठा लेंगे और फिर पूजा शुरू होगी। इस वीडियो में गाइज आपको बहुत कुछ ऐसा देखने के लिए मिलेगा जो नया है, और कई लोग इससे वाकिफ भी होंगे। तो पूजा घर में तो ऐसे ही होता है, बस लगे रहता है, कोई ना कोई काम, कोई ना कोई काम लगे रहता है, और पूरी हालत बैंड हो जाती है। कि ये जो उपवास है इसको व्रतों का राजा ही बोलते हैं, क्योंकि इस उपवास में रात भर आपको जगना है, प्लस आप पानी भी नहीं पी सकते। तो बस इसलिए देखो मेरी भी हालत थोड़ी सी गड़बड़ हो चुकी है, कि बहुत उपवास में दिन भर काम था, काम करते करते अब मैं भी थक गई हूँ, लेकिन जो करना है वो तो करना ही होगा। तो एक्चुअली घर में मेरी मैं ही ये सब करती हूँ, पूजा पाठ की तैयारी में, फुलेरा बांधना है, डेकोरेशन करना है। तो बस बच्चे को बोल रही हूँ चलो डांस करके दिखाओ करके, वो थोड़ा सा चला गया। तो आप लोग कैसे हो, तीजा उपवास रहते हैं आप लोग भी बताइएगा। देखिए अब हमारी मूर्ति को भी हमने रख लिया है, हमारा बाबू उसको बुला रही हो, ये मेरी दीदी का बेटा है और बस बहुत ही प्यारा है वो, देखो पकड़ के तोड़ने के लिए ज़्यादा होता है, तो मस्ती कर रहा है वो भी। बस हम लोग सब तैयारी कर चुके हैं पूरा पूजा, अब हम लोग भी तैयार होंगे। हो सका तो मैं वीडियो शेयर करूँ, मेकअप वीडियो भी, अगर नहीं भी हुआ तो मैं इतना सब कुछ शेयर कर रही हूँ, आप ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा। तो बच्चा बस इधर उधर उधम करने में लगा हुआ है, उसको हम लोग भगा दिए। और गाइस इस उपवास की बहुत बहुत महत्व है, इस उपवास को कोई ज़रूरी नहीं है कि केवल सुहागन करें, कुमारी भी इस उपवास को करती है। देखो मेरा फुलेरा तैयार हो चुका है, मेरे भगवान जी बैठ चुके हैं, शंकर जी, पार्वती जी, पार्वती मैया बैठ चुके हैं, और हम लोगों ने जो दिन भर गुजिया सलोनी पापड़ी बनाया है उसको सबको हम चढ़ाएंगे। देखो मैं भी तैयार होके बैठ चुकी हूँ, और अब पूजा करना है तो पूजा में मन लगाना ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए मैंने वीडियो साइड नहीं देखा। तो क्या होता है वीडियो में देखूंगी तो फिर पूजा में मन कैसे लगेगा। तो बस मैं पूजा कर रही हूँ, मैंने लाइचा वियर किया है, मेरा पिंक कलर का और पिंक चुन्नी है, येलो 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 शेड है इसमें, येलो भी है। तो मैं पूजा कर रही हूँ, तो मम्मी भी मेरे साथ करवा रही है, वो मेरी मम्मी है, यानी जैसे कि आपको बताया कि मेरा मायके का घर है। वैसे ये वीडियो बहुत लेट हो गया क्योंकि इतना ज़्यादा थकावट हो गया था गाइस, मेरा तबीयत ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कुछ करने की। मैंने वीडियोस भी इस बीच नहीं डाले, बिल्कुल भी नहीं डाले। तो बस देखिए थोड़ा सा कैमरा हिल रहा है तो उसको इग्नोर कीजिएगा। तो गाइस बस सपोर्ट ही चाहिए आप लोगों का सपोर्ट, ताकि मैं अच्छे अच्छे वीडियोस ला सकूं आपके लिए। तो गाइस पूजा कर रही हूँ, मैंने मेकअप वीडियो शेयर नहीं कर पाया क्योंकि यह लाइटिंग की प्रॉब्लम थी, तो अच्छे से मैंने नहीं कर पाया। तो गाइस आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। देखो मेरी मम्मी है, ये भी तैयार हो चुकी है, कुछ पिक्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी इस वीडियो में, उसको आप ज़रूर देखिएगा। और मेरे चैनल का नाम तो अंजू स्टाइल वीडियोस है, जैसे कि आपको पता चल ही गया है, तो आप प्लीज़ उसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले मैं और वीडियोस ला सकूं। तो ये देखिए हम लोगों ने पूजा कर चुकी है, ये लगभग रात के 3 साढ़े 3 बजे का वीडियो था, और ये अब सुबह के 5 बजे का वीडियो है, 5 से पहले का ही वीडियो है, ताकि क्योंकि हम लोग पूजा करके फिर शंकर जी और पार्वती जी की मूर्ति को विसर्जन करने के लिए लेके जाएंगे। रात में मैंने और बीच बीच में वीडियो इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मेरी दीदी की तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मुझे ही सारा काम करना पड़ा, तो मैं वीडियो क्लिप नहीं बना सकी। तो बस अब ये हो गया है, अब हम लोग आरती करेंगे, आरती भी हो चुकी है, और विसर्जन के लिए लेके जाना है, मैं लेके जाऊँगी। देखो मेरी स्थिति आप देख सकते हैं कि पूरा खराब हो चुका है, रात भर जगे हालत में क्या होगा, स्थिति होगी रात भर जगे हैं। तो ये कुछ फोटोज़ है जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ,
और ये रात के बाद पूजा करने के समय की फोटोज़ हैं ये। और इसके बाद जो फोटो है ये तीजा की फोटो है, ये तीजा में मैंने जिस जैसे तैयार हुआ था वो फोटोज़ हैं, मैंने FB में भी डाला हुआ है। तो आपको मेरे वीडियोस अगर अच्छे लगे हो तो सब्सक्राइब कर जरूर कीजिएगा, और मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।